शुरू कर रही है। अच्छा एक ही कच्चा थोड़ा यार बिल्कुल कोई बंदा इधर नहीं है। ये सब होटल है, इसमें दुनिया के सब हर किस्म के खाने मिलते हैं, इधर से लेके एंड तक सब होटल ही होटल है। और ये बोर्ड वगैरह है, इस पे टिकट वगैरह इनके लेके इधर ही, और इसको पूरा दुबई में आप लंदन में फ्लाई कर सकते हैं। फैमिली बोर्ड भी है और उसके अलावा इंजॉयमेंट के लिए बहुत पीछे दिया हुआ है। क्या बताना चाहेंगे कि ये बोर्ड कहाँ तक जाती हैं? ये बर दुबई जुमेरा, उसके अलावा ये उसके अंदर इसके अंदर आपने अटलांटिस है उसमें जाती हैं, सब तरफ जो है ना ये बोर्ड जाती हैं, इनके अलग डिफरेंट टिकट्स हैं। उसके अलावा प्राइवेट बोर्ड भी हैं इसके अंदर? जी जी, इसमें प्राइवेट भी हैं और रेंट में भी मिलती हैं। देखा कितने जबरदस्त किस्म के बोर्ड्स हैं ऐसे, जैसे ये आगे लास्ट पे मरीना, आपने सुना होगा दुबई में एक मरीना बिल्डिंग है, वो सामने लास्ट पे वो आपको नजर आ रही है मरीना मॉल, वो लास्ट पे मरीना मॉल है। इसके अलावा क्या बताऊँ आपको, हाँ जी आप पानी के अंदर इन्होंने पुल बनाए हुए हैं जो कि बोर्ड की तरफ आपको लेके जाते हैं, इन कश्ती की तरफ आपको लेके जाते हैं। पानी के अंदर इन्होंने इन लकड़ी का पुल बनाया हुआ है। नीचे फाइबर वगैरह वो रखा हुआ है क्योंकि पानी में ये नहीं जा सके, और जब भी आप इस पर चलते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे आप हवा में चल रहे हैं। वो लास्ट पे जो सबसे बड़ा टावर है नाज़रीन देखें आप, वो लास्ट पे वो एसीसी ने तैयार किया, उसका नाम है प्रिंसेस टावर, जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ उस कंपनी का टावर है ये प्रिंसेस टावर। ऊपर उधर लाइट भी है, अभी आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ। हाँ अभी मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरा बचपन से लेकर अभी तक बहुत शौक है और मैंने घर में भी उनको रखा हुआ है। ये देखिए ना, अभी के लोगों ने बहुत ज्यादा कुत्ते डॉग रखने में जो है ना, तो इनका तरीका कार है, ये बहुत शौक से डॉग रखते हैं, कैट, ये चीज़ इनके जो है ना सब में शामिल है, इनको बहुत ज़्यादा ये लोग लाइक करते हैं और इसे बहुत ज़्यादा इनको इतनी अहमियत ये इंसानों को नहीं देते जितनी कि ये अपने डॉग को देते हैं। और ये देखिए नाज़रीन, अभी बहुत बड़े अंडे इधर पड़े हुए हैं जिसके ऊपर मैं बैठूंगा, पता नहीं टूटता कि नहीं टूटता, देखते हैं चले। बैठ गया पक्के हैं यार, देखने में तो बच्चे हैं लेकिन पक्के हैं नहीं। और मैं वैसे पहना भी है थोड़ी देरी हुआ कल्याण ना जामी पढ़ते अंडे भी लेके जामी मैं भी पीऊं मम्मा। हाँ जी, अभी आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अंडे पे बैठने की? आपको दिल कर रहा था अंडे के ऊपर बैठने को है? बहुत मजा है। वाओ मरीना दुबई, वेरी नाइस एरिया यार। नाज़रीन देखें, जो आपको ये फवारा तो आपने पढ़ा ही होगा स्कूल में, अलिफ अनार बे बकरी ते पंखा ते तख्ती ते पंखा, ये आपने पढ़ा ही होगा। ये जो आपको नजर आ रही है जो जिसपे अभी मैं कैम मार रहा हूँ,
इसमें से बहुत खूबसूरत किस्म के पानी निकलते हैं जब ये स्टार्ट करते हैं, और ये पानी रक्स करता है। बहुत दूर दूर दुनिया से इसको देखने के लिए आती है। पानी ऐसा बनता है जैसे एक इंसान की शक्ल होती है और वो डांस करता है। सेंटर पॉइंट है। इसके अलावा और ये समर अफनान है, समर अफनान फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान एंड वर्क इन ACC एज ए सर्वे असिस्टेंट एंड नाउ ही इज विद मी। मुझे दुबई में जो चीज़ पसंद आई है वो ये है कि हर चीज़ की कोई ना कोई चीज़ बनाई हुई है। इसका मकसद ये है कि अगर आपने सिगरेट पीना है उसके लिए स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ है, अगर आपने कचरा फेंकने कोई चीज़ फेंकनी है उसके लिए डस्टबिन बनाई हुई है। इसके अलावा हर चीज़ जो है ना इंसान खुद बहुत सीधा हो जाता है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सफाई का माहौल देख के, उसके अलावा सफाई देख के, एक दूसरे का चलना उठना बैठना देख के सब कुछ बहुत सीधा हो जाता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो फिर भी टेढ़ा हो और जबकि पुलिस इंसान की सीधा कर देती है कि नीचे थूक फेंकने से इन्होंने 100 दिरहम जुर्माना रखा हुआ है। उसके अलावा नाजरीन, अगर आप इसमें बॉटल या कचरा या टिन फेंकेंगे उस पर आपको 500 या 200 कितना जुर्माना हो सकता है। और मैं भी कोशिश करूँगा मैं इसको उसके अंदर ही फेंकूँ इसको। ये अभी इतना पाकिस्तान में देखे नाजरीन के एक बिल्ली हो सकती है इतने की पाकिस्तान में एक बिल्ली हो सकती है बिल्ली, लेकिन ये कुत्ता है। ये बिल्ली नहीं समझे, ये ने रे, ये रे का कुत्ता है। इसका नाम रे है। नाइस डॉग, आई लाइक इट, बट मैं इसको पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता। थैंक यू, बाय। ओए इसे रुकिए सिर्फ मूवी कोई नहीं आ रहा। तो ये देखो बस ना, मेरे जाना, मैं निकलना ही है अभी। ये मेरा दोस्त है, ये जा रहा है कि मैंने अपने भाई को मिलने के लिए जाना है, इसलिए आई एम सॉरी नाज़रीन का पूरी तरह आगे लेके जा सकता था, आपके साथ बातें कर सकता था, लेकिन आई एम सो सॉरी, अभी मैं आपको अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकता। या अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, अभी मैं आपको अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने कैम के साथ आपको वही मरीना आपकी तरफ लेके जा रहा हूँ और आपको और चीज़ें दिखा सकता हूँ, साथ में मेरी आवाज़ आएगी। बट वी नॉट सी मच फेस। ओके समर, नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स फॉर दी हेल्प। यू नॉट मीट मी, बाय। ओके इंशाल्लाह। और स्टॉप की तू कर नहीं, सेंटर चू तो रोकी ना ऐ तू अच्छा रो थोड़ा 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 लॉक हो गया।